नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा प्लस में। मैं हूं आलोक शुक्ला और आज आपके लिए फिर से लेके आया हूं 10 स्पेशल क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर यानी कि आपके पिछले परीक्षाओं पे आधारित। किन परीक्षाओं का? यूपी ट्रिपल एससी के परीक्षाओं का। और अभी हम सारे प्रीवियस ईयर क्यों देख रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि आपके आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाने वाले गणित के प्रश्नों का पैटर्न क्या होता है, उनके तरीका क्या होता है, इससे थोड़ा आइडिया लगेगा। इसके बाद हम पूरा डिटेल्ड पढ़ेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। अभी ये पूरा जो हम चला रहे हैं बैच, ये 10 प्लस कोर्स के अंतर्गत चला रहे हैं, जिसमें हम लेखपाल पे फोकस्ड हो रहे हैं, है ना, लेखपाल एग्जाम पे ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं, जिसमें आप ऐसा समझिए कि डेली 4 से 5 विभिन्न विषयों की वीडियो क्लास मिल जाती है। इस पे आधारित आपको क्विज दी जाती है और जितनी भी चीजें पढ़ाई जाती हैं सभी का आपको पीडीएफ दिया जाता है। इसमें सारे वीडियो आपके फ्री हैं, सारे के सारे आपके क्विज फ्री हैं, लेकिन केवल पीडीएफ पाने के लिए आपको 499 रुपए का एक सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा, जो 3 महीनों के लिए वैलिड होगा। और जितनी भी उसके अंतर्गत परीक्षा प्लस की पीडीएफ दी जाती है वो सारी आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न के साथ। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 ज्यादा है, तब संख्या का 28% उसी संख्या के 33.33% से कितना कम है। ठीक, अभी क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 60% 20% से 120 ज्यादा है। ठीक, इसे करते हैं, एक बार हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी इसके पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। ये तो मैं आपको बताया था भाई, ध्यान भी होगा कि कोई भी संख्या अपने आप का 100% होता है। तो संख्या का अगर 60% और संख्या का 20% दोनों एक ही संख्या की बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि 60% माइनस 20% जो है वो किसके बराबर है, 120 के बराबर है ना। कंपेयर करके तो ये भी देखें, ये परसेंटेज है, ये भी देखें भाई, 60% अगर 20% से 120 मतलब 120 ज्यादा है, तो हम अगर माइनस करेंगे तो 120 के बराबर आ जाएगा, तो 40% यानी कि 120 के बराबर हो जाएगा। तो दूसरी भाषा में 1% अगर कहें तो 40 × 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1% बराबर 3 आ जाएगा, बस समझ में। अब क्या कह रहे हैं कि 28% उसी संख्या के 33.33% यहाँ पे अगर हम 33.33 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%, या इसे लिख सकते हैं 100/3%। हमारी आसानी के लिए हम इसे लिखे हैं ताकि हम यूज करेंगे तो हमारे लिए वो फायदेमंद हो जाएगा। तो अभी वो बोले कि 28% 100/3% से कितना कम है, तो कितना कम है भाई, कम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 100 माइनस क्या करेंगे, 28% 100/3% माइनस क्या हो जाएगा, 28%। ठीक, 28/3 कितना करेंगे, 84 होगा, 100 में से 84 जाएगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो क्या पूछ रहा है, 16/3% आएगा। तो अगर 40% बराबर 120 था तो 1% बराबर 3 हो गया, तो 16/3% बराबर क्या हो जाएगा, 16/3% बराबर हो जाएगा 3 × 16/3 यानी कि 16, और ये आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पास समझ में आ रही है। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है जो यूपी ट्रिपल एससी है, ऐसे क्वेश्चन लग रही है, कंपेयर करा रही है आपसे, तो टीसीएस खास कर, अगर हम टीसीएस की बात करें तो आपसे कंपेयर कराता है, कंपैरिजन कराता है। और देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, उसमें कुछ बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ढूंढ कर दूं ताकि आपको भी क्लियर दिखे, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी से 25% ज्यादा है, बी सी से 40% कम है और सी डी से 30% ज्यादा है। अब पूछ क्या रहा है कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है। अभी पिछले लेक्चर में ही मैं आपको सिमिलर क्वेश्चन कराया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एकदम दिमाग में किसी कोने में बिठा लो कि हाँ ऐसे क्वेश्चन को हम किस मेथड से करेंगे, पड़ोसी मेथड से करेंगे। किस मेथड से, पड़ोसी मेथड से करेंगे। और पड़ोसी मेथड क्या कहता है, उसे करने के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलिए इसे मैं अगर रिलीज कर लू, एक मिनट रिलीज कर लू, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि ए बी से 25% ज्यादा है,
अगर ए बी से 25% ज्यादा हम बी को क्या मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, दो भाई हमने 100 मान लिया है ना। अगर बी 100 है तो ए उससे 25% ज्यादा है, वो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। मतलब ए इस टू जो बी है वो क्या हो जाएगा 125:100। हम दूसरी भाषा में अगर यहाँ पे लिखे तो 5:4 लिख सकते हैं, 25 से दोनों बढ़ेगा, 25 × 5 = 125 होगा 100। फिर दूसरे पे क्या कह रहे हैं, बी सी से 40% कम है, बी सी में अगर रिलेशन देखें तो ये बी और सी देखें, सी को 100 मान लीजिए, सी 100 मान लेगी तो बी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसके उस रेशियो को और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0-0 कट जाएगा, 2 से कटेगा तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, ये 5 है ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ए बी का रिलेशन मिल गया, ए बी ए है, बी और सी ये है, सी और डी का क्या है, सी और डी का भी यहां पे देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि सी डी से 30% ज्यादा है, तो डी अगर 100 होगा तो सी कितना हो जाएगा बताओ भाई, 30% ज्यादा है तो ये हो जाएगा 130। तो अभी से सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 13:10। अभी देखा जाए तो A is to B हमारा सिंपली क्या मिल गया है 5:4, B is to C क्या मिल गया है 3:5 और C to D क्या मिल गया है 13:10। रिलेशन किस में पूछ रहा है, रिलेशन A और D में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा किस में पूछ रहा है, A और D में पूछ रहा है, है ना, A और D में रिलेशन पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे A और D के बारे में पता करेंगे, तो एक बार हम साइड में देख लेते हैं कि क्या क्या आया है ताकि हमारा क्लियर होता चला जाए। अभी देखिएगा A और B का हम पड़ोसी मतलब अगर यहाँ पे लगा दें तो A is to B is to C is to D निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, निकालेंगे भाई। तो A is to B is to C is to D निकालने के लिए क्या करेंगे, A B C और D ऐसे लिखेंगे, A B की वैल्यू क्या है 5:4, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। B और C की वैल्यू क्या है 3 और 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 5। C और D की वैल्यू क्या है 13 और 10, तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे, इतनी बात समझ में आ गई। अभी पड़ोसी मेथड क्या कहता है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, पड़ोसी वाली संख्या आएगी, ये वाली संख्या आएगी, यहाँ पे आएगा 5 तो यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे आएगा 13 और यहाँ पे आएगा। A और D का पूछ रहा है तो A की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू क्या होगी 5 × 3 और यहाँ पे क्या आएगा 4 × 5 × 10, इसे पतला कर ले थोड़ा मोटा, हाँ। इसे सिंपलीफाई करें तो क्या आ जाएगा भाई 5 × 3 = 15, 15 × 13 कुछ भी कर लो 13 × 39 = 20 है ना 195, ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5×20 = 200, ये हो जाएगा। A और D के बीच का रिलेशन ही आया है और यही तो पूछ रहा है कि A D से कितना परसेंट कम है, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो कम कितना दिख रहा है 5, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, तो 5/200 × 100 यानी कि ये जहां पे बचेगा 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5%। बात समझ में आ रही है, क्या आ जाएगी 2.5% आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो हमें बी ऑप्शन सही मिल गया है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ आपको खास बताना चाह रहा हूँ, क्या खास बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बताना ये चाह रहा हूँ कि जब हम यहाँ पे पड़ोसी मेथड लगाए थे, यहाँ पे पड़ोसी मेथड लगाए थे तो ये ए की वैल्यू थी हमारी और ये हमारी किसकी वैल्यू थी, डी की वैल्यू थी। लेकिन जब भी आपको पड़ोसी मेथड में, मैं रेशियो में चीज बताऊंगा, ए और डी की वैल्यू चाहिए होती है तो आपको इतना अरेंजमेंट सेट करने की जरूरत नहीं होती है। आपको पता था कि यहाँ पे ए इज टू बी, क्या पता था कि ए इज टू बी जो है वो क्या रेशियो है 5:4 है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बी इज टू सी जो है वो क्या रेशियो है 3 और 5 का है, और C और D में जो रेशियो का रिलेशन है वो 13 और 10 का रिलेशन है। जब भी आपके एंड रिजल्ट चाहिए होते हैं, मतलब A की वैल्यू चाहिए होती है और D की वैल्यू चाहिए होती है, तो कुछ नहीं करना होता है, आपको इधर का पूरा गुणा कर लेना होता है और इधर का पूरा गुणा कर लेना होता है। तो बात वही आ रही नहीं आ रही है, अभी देखिए इधर का 5×3×13 तब भी 195 आएगा और यहाँ पे 5×4×10 यहाँ पे 200 आएगा, सेम रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब भी आपको ऐसा करना हो तो पूरा इससे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, आप केवल पहले वाले सारे 5×3×13 को गुणा कर लीजिए, 4×5×10 को गुणा कर लीजिए, तो भी आपका सेम रिजल्ट आने वाला है। इससे आपका क्या बचेगा
समय बचेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम हॉल में और आप चीजों को और अच्छे तरीके से कर पाओगे। जब आप थोड़ा समय बचा लेते हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, तो जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं वो और आसानी से लग जाते हैं और अल्टीमेटली आपका पेपर क्या होता है, अच्छा जाता है। तो जब भी हम मैथ चाहे यहाँ पे पढ़ रहे हो चाहे हम मैथ की घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, हम हमेशा ये फील करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। जब आप इस टेम्परामेंट से पढ़ते हो तो एग्जैक्टली आपके अंदर से वो निकल के आता है जो एग्जैक्टली होना चाहिए और आप बहुत अच्छे से सीखते हुए चलते हो। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे दो क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं, जूम कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा के कुल विद्यार्थियों का संख्या का 83.33% है ना, इसे ऐसे भी ले सकते हैं 83 ऐसे भी कहीं लिखा हो सकता है, प्रश्न में कुछ भी हो सकता है। किसी कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या का इतना प्रतिशत लड़कियां हैं तथा अन्य लड़के हैं। यदि कुल लड़कों के 60% एवं कुल लड़कियों के 80% उपस्थित रहते हैं तो कुल अभ्यर्थियों के कितने प्रतिशत अनुपस्थित रहते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, केवल वो इधर उधर उल्टा सीधा करके घुमाने की कोशिश किया है जो आपके साथ यूपी ट्रिपल एससी हमेशा करते आ रही है। भाई अगर हमें यूपी ट्रिपल एससी का पेपर का एग्जाम देना है, हमें लेखपाल की तैयारी करनी है या अगर हमें लोअर मेंस का देना है, तो एक बार दिमाग में रख लीजिएगा कि इतना आसानी से वो नहीं पूछेगा, वो घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो हम पढ़ेंगे भी कैसे, ऐसे ही पढ़ेंगे। इस सारे क्वेश्चन बहुत आसान लेवल का क्लास का जो मॉड्यूल होगा हम आसान से शुरुआत करेंगे, टफ की तरफ पढ़ते चले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश करते हैं। जब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को थोड़ा रुक के देख भी सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, इसे इरेज कर लेते हैं। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन थ्री क्या कह रहा है। क्वेश्चन थ्री कह रहा है कि किसी कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना था, 83 लड़कियां हैं। तो अभी हम ये मान लें, सबसे पहले हम परसेंटेज के चैप्टर में क्या मानते हैं, कोई भी चीज नहीं पता होती तो 100 मान लेते हैं। तो एक बार मैं 100 मान के घर पर रहूं और यहाँ पे बताऊंगा 100 मानने से क्या दिक्कत आएगी। चलिए अभी हम पहले 100 मान लेते हैं, और अगर 100 मान लेते हैं ये टोटल स्टूडेंट्स का नंबर है, कुल विद्यार्थियों की संख्या है, तो इसमें से 83.33 कौन है, लड़कियां हैं। यही तो बोल रहे इतने प्रतिशत लड़कियां हैं, लेकिन लड़कियों की संख्या पॉइंट में तो होगा नहीं, तो हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, यहाँ पे देखिए नीचे 3 आ रहा है, अगर इसी में हम 3 से गुणा कर दें, गुणे 3 कर दें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। काम कैसे आसान हो जाएगा अभी समझिएगा। अगर मैं टोटल संख्या क्या मान लू 300 मान लू, 100 की जगह में क्या मान लू 300 मान लू, कुल अगर ये 300 है तो 300 का 83 सही 1/3%। भाई 100 का 83 सही 1/3, तो 300 का क्या हो जाएगा 83 + 1/3 गुणे क्या हो जाएगा 3। और ऐसे ही क्या लड़कों की संख्या कितनी बचेगी, अगर 83 सही 1/3% यहाँ पे बच रहे हैं तो लड़कों की संख्या तो 16 सही 2/3% ही बचेगी, नहीं बचेगी, क्योंकि ये और ये दोनों जोड़ के क्या हो जाएंगे 100 ही तो देंगे। तो कुल 300 है तो इसका 16 सही 2/3% कितना हो जाएगा, इधर भी हम किसे 3 से गुणा कर लें तो 16 × 3 = 48 कितने आ जाएंगे भाई, यहाँ 50 आ जाएंगे। मतलब 300 में से 50 क्या है लड़के, और अगर 50 लड़के हैं तो 250 क्या होगी लड़कियां, उनकी गुणा करके देखेंगे तब भी आपको 250 आ जाएगा। तो आप जहां से भी आसान पड़े वैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगी 250 लड़कियों की संख्या हो जाएगी और लड़कों की संख्या क्या है 50 है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि कुल लड़कों के 60% एवं कुल लड़कियों के 80%, इधर बॉयज है ध्यान दीजिएगा, ये बॉयज है और ये क्या है गर्ल्स है लड़कियां हैं, इसका कितना 60%, तो इसका 60% 6×30 यहाँ पे आएगा, 30 निकाल लीजिएगा, परसेंटेज निकालने के लिए 50 × 30/100 ऐसे निकालते हैं, जो परसेंटेज के चैप्टर में आएंगे तो और डिटेल में आपको बताएंगे। तो 60% है 50 × 60 है ना, तो कितना 6×30 कट जाएगा तो 30 बचेगा, तो इसका 60% मतलब कि 30 और इसका 80% है ना निकाल लीजिए 250 × 80/100 2500 × 100 तो अट्टे कितना हो जाएगा 200, जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना हो जाएंगे 200 कट ही जाएगा, तो मैं सीधा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आगे बस 200 लड़कियां उपस्थित हैं और 30 लड़के उपस्थित हैं, तो कुल कितने उपस्थित हुए 200 + 30 यानी कि 230। पूछ क्या रहे आपसे, पूछ रहा है कि कुल अभ्यर्थियों के कितने प्रतिशत अनुपस्थित रहते हैं, कितने प्रतिशत अनुपस्थित रहते हैं, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए क्या बोल रहा है।
कुल लड़कियों के 80% अनुपस्थित रहते हैं, तो कुल अभ्यर्थियों के कितने प्रतिशत अनुपस्थित रहते हैं? अनुपस्थित निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, जब 230 टोटल हमारे क्या है प्रेजेंट है, हमने माना कितना है 300 माना है, तो अनुपस्थित कितने हैं 300 माइनस 230 यानी कि कितना 70, किसके रेस्पेक्ट में 300 के रेस्पेक्ट में, गुणे होगा कि नहीं होगा, 0 0 कट जाएगा, बचेगा क्या 70/3, और 70/3 करेंगे तो आपका उत्तर कितना जाएगा 3 × 6 = 10 जाएगा, 3 × 9 यानी 23 के आसपास कौन सा उत्तर है, यही उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12% और 10% बढ़ाई जाती है ना, बढ़ाई जा रही है, इंक्रीज की जा रही है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। इसके पहले के भी लेक्चर में आपको बता चुका हूं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम सिंपल सा फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर के लिए एक बार एक्स वाई लगाएंगे, यानी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। आसान होता है, आपको रटा होना चाहिए, तो सीधा है 12% प्लस 10% दोनों बार बढ़ रहा है, तो हम सीधा जोड़ते हैं 12 + 10 22 तो यही हो जाएगा, और 12 × 10 बटे 100 कितना हो जाएगा 120 जाएगा, यानी 1.2 हो जाएगा, तो 22 ये दिया 1.2 ये दिया कितना हो जाएगा 23.2% आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, जब भी ऐसे आए तो आसानी से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, यदि किसी सिलेंडर का व्यास 33.33% घटाया जाता है तथा इसकी ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाती है, डबल कर दी जा रही है, तब सिलेंडर के आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप इसे 2 मिनट के लिए वीडियो 2 मिनट जितनी भी आप लगा लें वीडियो पॉज करके लगाने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन अगर आपसे लग जाता है, मैं हट जा रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन क्लियरली दिखे, ये क्वेश्चन अगर आपसे लग जाते तो समझ लीजिए कि आप परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है, नहीं लगता है तो मैं एकदम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक हर चीज बताऊंगा, आप साथ बने रहिएगा। लेकिन चलिए हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, तो सॉल्यूशन देखने के लिए अभी क्या कह रहे हैं, किसी सिलेंडर का व्यास 33% बढ़ाया जा रहा है, 33.33, हम इसे क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं, बात तो यही 1/3 की वैल्यू क्या थी 0.333 बढ़ते चली जाती है, ऐसा नंबर होता है, ऐसा नंबर होता है, लेकिन क्या होता है रिपीटिंग और नॉट रिपीटिंग। चलिए 33 सही 1/3% ये हो गया, घटाया जाता है तथा इसकी ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाती है। अब ये तो हुआ भाई डायमीटर की बात, ये डायमीटर की बात कर रहा है, आगे बात समझ ले, व्यास की बात कर रहा है, सिलेंडर है आपका तो सिलेंडर के ये व्यास की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है व्यास की, और ऊंचाई का बोल रहा है, ऊंचाई को 2 गुनी कर दी जाती है, तो कोई चीज जब 2 गुनी होगी तो अपने आप में कितना परसेंट बढ़ेगी 100% बढ़ जाएगी भाई, कोई चीज आधी होगी तो 50% बराबर होगी तो 100%, दुगुनी होगी तो क्या 100% उसमें जोड़ देंगे तभी तो दुगनी होगी, यानी 200% होगा, तो बढ़ा कितना 100%, तो दुगनी कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो हाइट है उसमें कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है 100%। अभी डायमीटर को इतना कर दिया गया, हाइट को इतना कर दिया गया, कुल आयतन का पूछ रहा है, बच्चे गलत कहां किए मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये सिलेंडर की बात कर रहा है, सिलेंडर के वॉल्यूम की बात कर रहा है, आयतन की बात कर रहा है, तो अगर आयतन की बात करेगा वॉल्यूम की बात करेगा तो एक्स वाई हम कितनी बार लगाएंगे 2 बार लगाएंगे, है ना। जब जब 3D फिगर आता है भाई, आपका कौन सा फिगर है 3 डायमेंशनल फिगर है सिलेंडर, जब जब 3D फिगर आएगा तो एक्स वाई 2 बार लगेगा, यहाँ पे ये 2 लिखा है जेड नहीं है, 2 बार लगेगा, और जब जब ये 2D फिगर होगा जैसे स्क्वायर हुआ, वर्ग हुआ, आयत हुआ, त्रिभुज हुआ, या गोला आपका 3D हो जाएगा, सर्कल इनवृत्त आपका क्या होगा वो 2D हो जाएगा, तो जब 2D होगा तो 1 बार एक्स वाई, जब 3D होगा तो 2 बार एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 बार एक्स वाई, क्यों, क्योंकि व्यास बढ़ रहा है, तो व्यास फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर 2 बार यूज हो रहा है, सबसे पहले तो एक्स वाई इसी पे लग जाएगा, लगा लेते हैं, ये क्या है 33 सही 1/3 इसे लिख सकते हैं 100/3 लिख सकते हैं, क्या नहीं 33 के 99 100/3, तो बस लगा दीजिए 100/3 + 100/3, अच्छा घटाया जा रहा है कि बढ़ाया जा रहा है, देख लीजिए घटाया जाता है, ये गलतियां हो जाती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पे माइनस 100/3 जब भी घटेगा तो माइनस, और बढ़ेगा तो प्लस, और माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 100 गुणे
सौ बटे तीन और नीचे वाला सौ यहाँ पे क्या आएगा, इतनी बात समझ में। इसे कैलकुलेट करें, ये सौ तो कट जाएगा, यहाँ पे बचा सौ बटे तीन, इसे करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस दो सौ बटे तीन। यहाँ पे लिख लें माइनस दो सौ बटे तीन प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा, ये तीन गुणे तीन नौ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, प्लस सौ बटे, इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, तीन इधर जाएगा तो छह सौ हो जाएगा, और वहां पे सौ है तो आ जाएगा क्या, माइनस का पांच सौ बटे नौ। ये किससे आया है, ये अभी केवल दो बार डायमीटर के रिजल्ट की वजह से आया है, अभी और भी खेल बाकी है, अब क्या बाकी है इसे देख ले। तो ये माइनस पांच सौ बटे नौ परसेंट आया, मतलब कि ये किसकी वजह से आया है, डायमीटर की वजह से आया है, व्यास की वजह से आया है, अभी तो उसकी ऊंचाई में भी परिवर्तन हो रहा है और आयतन में कुल परिवर्तन उसके व्यास और उसके ऊंचाई दोनों को सम्मिलित कर लेंगे तब पता चलेगा। तो एक बार हमें एक्स वाई और लगाना पड़ेगा, तो एक बार एक्स वाई लगाने के लिए फिर से हम किस में लेंगे, एक तो हमारा माइनस पांच सौ बटे नौ है ना, माइनस का पांच सौ बटे नौ है, प्लस ऊंचाई कितनी बढ़ाई जा रही थी 100% दोगुनी की जा रही है, तो वो हो जाएगा 100 और माइनस ये प्लस, तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 500 गुणे 100 बटे गुणे 100, तो ये तो कट जाएगा, माइनस 500 बटे 9, माइनस 500 9 बटे यहाँ पे होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1000 बटे 9 और प्लस का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 100 बटे, बात समझ में आ रही, माइनस का 100 बटे 9 प्रतिशत का कुल आयतन का चेंज हुआ, और माइनस क्या बताता है, माइनस बताता है कि क्या हुआ है, कुल कमी हुआ है, तो फिर उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 100 बटे 9 प्रतिशत की कमी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रहा था कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, गलती इसलिए करते हैं कि वो ध्यान नहीं देते हैं कि आयतन पूछ रहा है, और आयतन क्या है, 3D है, वॉल्यूम जब आप बात करते हो तो आप 3 डायमेंशन की बात करते हो, तब आपको सिंगल बार एक्स वाई लगा सकते हो, वो सीधा देखते हैं भाई ये 33.33% बढ़ाया जा रहा है और वो दोगुना किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, दोगुना किया जा रहा है, एक बार एक्स वाई लगा के सीधा उत्तर ले आते हैं, वो गलत हो जाता है। यहाँ पे सही तरीका क्या होगा, कॉन्सेप्ट है फिर से सुन लीजिएगा कि दो बार एक्स वाई लगेगा। चलिए देर न करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 15% भाग रसोई घर के खर्च पर, 20% भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर, 8% भाग अपने परिवार की बीमा राशि के भुगतान पर और 17% घर की अन्य वस्तुओं के खर्च पर करता है। यदि वह 6000 रुपए की बचत करता है तो उसका कुल मासिक वेतन क्या होगा, भाई वो जितना भी कमा रहा होगा या तो खर्च करेगा या तो बचाएगा, कुछ और भी कर सकता है, भाई रुपया अगर आपके पास आया तो आप या तो खर्च कर लोगे या तो बचा लोगे, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। तो खर्च कितना कितना कर लेगा, 15%, 20%, 8% और 17%, तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा, इन्हीं को जोड़ देंगे तो 15 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 17 जोड़ेंगे तो कुल कितना आएगा, 17 और 8 25 तो ये हो जाएगा, 5 30 10 40 30 60, ये टोटल मिलकर कितना आएगा, 60% तो यही हो जाएगा। और अगर ये 60% है तो ये 60% है क्या, खर्चा, तो भाई 60% भाई कोई चीज अपने आप में क्या होती है, इनकम 100% होती है, 60% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, 40%, और यही तो बता रहा है कि 40% उसका किसके बराबर है, 6000, जो बचत है वो कितना है, 6000, तो हम सीधा बोलेंगे कि 40% बराबर अगर 6000, तो पूछ क्या रहा है, उसका कुल मासिक वेतन कितना है, तो मासिक वेतन अपने आप का कितना होगा, 100%, तो 100% निकाल लीजिए, नहीं कर पाएंगे आराम से निकल जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 6000 बटे 40 गुणे 100, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 15 चौके 60, तो कौन सा आ जाएगा, 15 के फिगर में 15000 आपकी वैल्यू आ जाएगी, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 60% सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, जो अंग्रेजी वाले बच्चे होंगे परेशान मत हो जाना, 60% कंसंट्रेशन, 60% सांद्रता का 40 लीटर अम्लीय घोल कोई एसिड सॉल्यूशन है, 80% सांद्रता वाले
35 लीटर अम्लीय घोल के साथ मिलाया जाता है तो नए घोल में अम्ल की सांद्रता क्या होगी? नए घोल में अम्ल के साथ सांद्रता निकालने के लिए क्या करेंगे? कंसंट्रेशन। भाई टोटल यहाँ पे कितना एसिड मिलाया जा रहा है, फिर यहाँ पे कितना एसिड मिलाया जा रहा है, और टोटल ये जो एसिड मिलेगा कुल वॉल्यूम का कितना होगा भाई? परसेंटेज हो जाएगा। तो भाई 60% यहाँ से मिलाया जा रहा है तो 40 लीटर का 60% कितना हो जाएगा? 6 × 24 हो जाएगा, 24 लीटर तो यहाँ से आ जाएगा। और यहाँ पे 35 लीटर का 80% तो 35 × 8 कितना हो जाएगा? 35 × 70 और 4 × 7 = 28 तो कितना हो जाएगा? 28 यहाँ पे हो जाएगा। मतलब कि जो कुल अम्ल मिलाया जा रहा है वो 24 + 28 कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा 52 लीटर। जो मिश्रण होगा उसमें कितना होगा? 52 लीटर एसिड होगा। और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 40 ये और 35 ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 75। तो 75 में अगर 52 आपका अम्ल है तो 52/75 × 100 उसकी सांद्रता नहीं निकलेगी, परसेंटेज वैल्यू नहीं निकलेगी। कंसंट्रेशन का मतलब परसेंटेज वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है ना। तो 52/75 से सॉल्व कर लेंगे, 25 × 75 और 25 × 100, 52 × 4 = 208 यानी कि 208 हो जाएगा। और 208/3 कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा कौन सा आएगा? 3 × 18 = 2 28 3 × 9 = 27 1 1/3 69 से 1/3 यानी कि सही उत्तर क्या आ जाएगा? 69.33%। ये आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि है, एक बार 30% बढ़ाई और दोबारा फिर 10% बढ़ाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, लगा क्या देना है? x + y + xy/100 आ जाएगा उत्तर, नहीं आ जाएगा? 30 + 10 = 40 और + 3 = 43 सीधा आपका हवा में आंसर आना चाहिए। एक तो जल्दी करना चाहिए, सीधा फॉर्मूले लगाएंगे 40 से सब लेंगे तो सही उत्तर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने की इरादा रखती है तो उसे प्रतिशत खरीदे जाने वाले पेट्रोल पूर्णांक के करीब को कम करना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं बोलूंगा वीडियो पॉज करिए, लगाने की कोशिश करिए, अगर लग जाता है तो समझ लीजिए परसेंटेज में आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए हम इसे लगाते हैं। क्या कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ कितनी गई है? 19% और अतिरिक्त खर्च वो क्या करना चाह रही है? सुनीता जो है वो पेट्रोल पर केवल 12% खर्च करना चाह रही है। समझिएगा ये कहना क्या चाह रही है भाई, 19% उसका टोटल प्राइस पड़ गया तो उसके कुल कंजप्शन में भी अगर उतना ही यूज कर ली, मान के चलिए कि अगर एक महीने में वो 100 लीटर तेल यूज कर लेती है, पेट्रोल यूज कर लेती है, गाड़ी में डला लेती है, तो 100 लीटर पहले का मान लो कि कितने भी रुपए का मिल रहा होगा, x रुपए का मिल रहा होगा। अब अगर 19% बढ़ गया और 100 लीटर ही यूज करेगी तो वो टोटल 19% उसको ज्यादा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ज्यादा पड़ेगा। लेकिन वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि भाई ठीक है 19% बढ़ा है लेकिन वो चाहती है कि जो उस पर कुल फर्क पड़े वो 19% का फर्क ना पड़े, कितना फर्क पड़े? 12% का फर्क पड़े। तो इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 12% ही चाह रही है तो कितना अपना रिड्यूस करे। तो ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए मैं आपको एक बार याद दिलाऊंगा कि हम अभी तक क्या करते आ रहे थे, इसे मैं थोड़ा रफ कर दूं, अभी तक क्या करते आ रहे थे क्लास में, पिछले क्लास में जो हमने किया था कि कोई भी वस्तु का दाम अगर कितना बढ़ जा रहा है, मान लो 20% बढ़ रहा था तो 100 से हम क्या कर दे रहे थे? 120 इसे पलट दे रहे थे और यहाँ पे 100 कर दे रहे थे, अंदर कितना 20 का / 120 × 100 ये हमारा उत्तर आ जाता था, 16 से 2 × 3 ऐसे होता था। लेकिन ये क्या कह रहा है 19% बढ़ जाए अगर ये अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, यही भी बच्चों को समस्या आती है। तो इसे करने के लिए हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। 19% बढ़ता है तो हम अगर मान लें कि पहले क्या था 100 तो बढ़ के कितना हो जाएगा 119, इतनी बात तो क्लियर है जैसे हम अभी करते आए हैं। लेकिन वो 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाह रही है तो कहने का मतलब जब हम इसे रिवर्स करते थे तो ये 119 और 100 होना चाहिए, हम यहाँ पे 100 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसे 119 से फिर से 100 नहीं आना है, उसे 119 से कहां तक जाना है? 112 तक ही जाना है क्योंकि 12% ही वो कुल चाह रही है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हटा के 112 कर देंगे, यहां से हमारा उत्तर आ जाएगा।
तो भाई यहाँ पे 119 यहाँ पे 112 अंतर कितने का 7, नीचे क्या आएगा 119 गुणे 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा उत्तर। तो क्योंकि पूर्णांक के करीब पूछा है इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे 120 मान ले तो 10/12 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 1. समथिंग हो जाएगा, यानी कि 5.88 समथिंग आएगा, है ना, 5.88 समथिंग आएगा। अगर हम करीब में जाएंगे तो उसका सही उत्तर क्या आएगा, 6, यानी कि बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्याशियों के बीच ग्रामीण चुनाव में 10% मत अमान्य घोषित हुए, है ना, 10% जो मत है वो क्या हो गए हैं, अमान्य घोषित हो गए हैं। अब क्या कह रहा है कि एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का 62% मत मिला है 2021 600 मतों से विजयी हुआ, ग्रामीण चुनाव के कुल मतों की संख्या कितनी है। कुल वोट पूछ रहा है, कुल मत पूछ रहा है, दिया हुआ कि 10% क्या हो गए हैं, अमान्य हो गए। देखिए अगर हम ये मान लें कि कुल जो वोटों की संख्या थी, कुल मत जो थे वो कितने थे, 100% थे, तो अगर 10% इसमें इनवैलिड हो गए हैं तो बचेंगे कितने भाई, 90% बचेंगे। और ये 90% में से जीतने वाला कितना पा रहा है, 62%, तो जीतने वाला अगर 62% पाएगा तो हारने वाला कितना पाएगा भाई, 62 और 8 70 और 30 कितना हो जाएगा 100, यानी कि 38%। ठीक, तो ये जीतने वाला प्रत्याशी है, ये हारने वाला प्रत्याशी है, दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24%। और ये दिया हुआ है कि जो जीतने वाला कौन है, जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो कितने से, 21600 से विजयी हुआ है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा किस, 21600। बात समझ में आ रही है, 24% बराबर इतना, तो क्या पूछ रहा है, ग्रामीण चुनाव के कुल मतों की संख्या क्या है। अब समझिएगा यहां पे 24% इतना है तो हम 100% निकालेंगे, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 21600/24×100 यही तो होगा। इसे कट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, ये पूरा कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो 90,000 है ये क्या कुल मतों की संख्या है, कुल मतों की संख्या नहीं है, ये तो इस 90% के बराबर है जो कुल वैलिड वोट हैं, तो 90% बराबर हो जाएगा 90,000, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1,00,000 सीधा सीधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो लास्ट वाला था। अभी इस पूरे सेशन में हम 2 क्वेश्चन बहुत अच्छा देखे, तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे मंडे से क्लास करेंगे, ये तो हमारा पूरा प्रीवियस ईयर था, प्रीवियस में हम यूपीएससी के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, इवन यूपी में यूपीएसआई और यूपीपी के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। परसेंटेज के जो अभी तक 30 क्वेश्चन आपको कराया गया है वो केवल अगर प्रीवियस ईयर था, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है, ठीक है, जो भी आपके 4-5 सालों में आए हैं। तो इससे ये पता चल गया कि टीसीएस का पैटर्न क्या है, यूपीटीपीएससी का पैटर्न क्या है। अब हम प्रतिशत के चैप्टर को, प्रतिशतता के चैप्टर को मंडे से बहुत ही बेसिक से जीरो लेवल से पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, लेखपाल के हम बैच के अंदर में पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज्यादा नियरेस्ट वही वैकेंसी हमारी है, और साथ में हम लोअर में इसको भी कवर करते चलेंगे। तो ये हमारा मॉड्यूल होगा, सारी क्लासेस आपके मंडे से ऐसे ही चलेंगी। बाकी अभी आज की जो क्लास है और भी आती रहेगी, आशीष सर की भी क्लास है कल, वो भी आएगी, उसके बाद मंडे से हम प्रॉपर बैच लेखपाल का भी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।